Hey guys, welcome back to my channel. This is your girl Adhira and I hope you all are doing very great. So in today's video, I am going to review about an Indian brand named as All Good Scents. So जैसा कि name से derived है कि scents की बात हो रही है, यानी कि खुशबू की बात आज हम लोग करने वाले हैं इस video में. बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग है. सो आज मैं आपके साथ रिव्यू प्लस डेमो करूंगी जो कि मुझे भेजा गया है फ्रॉम द ब्रांड इटसेल्फ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू द वीडियो. Like you can see, मैं अच्छे से आपको zoom करके इसकी packaging दिखा देती हूँ. It comes in a cardboard packaging. The best part about these scents is कि ये बहुत ही ज़्यादा affordable है. It starts from MRP 399 onwards and आपको quantity मिलती है 399 में 30 ml की and the packaging is really very good. Main importantly इसमें एक और खास बात ये है कि आप इसको mix and match करके भी applicate कर सकते हो. आप अपना एक signature जो सेंट है वो बना सकते हो. आपको अलग वो स्मेल करवाएगा. इवन बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस बनती है उसकी. मैंने इसे ट्राई किया है. सो चलिए अब एक एक करके मैं आपके साथ इसको शेयर करती हूँ. बेसिकली आई डोंट सजेस्ट कि आप ऑनलाइन परचेजिंग करो किसी भी परफ्यूम की, किसी भी सेंट की, बिकॉज उसमें आपको एग्जैक्टली पता नहीं लग पाता है कि उस परफ्यूम की या सेंट की कैसी फ्रेग्रेंस है. सो अगर आप अपने सामने देखते हो, ऑफलाइन शॉप करते हो या आपके सामने कोई चीज है, तो आप उसको फ्रेग्रेंस आप उसकी चेकआउट कर सकते हो कि कैसी फ्रेग्रेंस है कैसी नहीं है. सो द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑल गुड सेंट्स इज कि ये अपनी मिनी पैकेजिंग भी, टेस्टर्स आते हैं इनके. आप इनको टेस्टर्स को ऑनलाइन मंगा सकते हो, चेकआउट कर सकते हो. अगर आपको इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है, देन गो फॉर अ बिगर वन पैकेजिंग. सो या, दिस इज द वेरी गुड पॉइंट अबाउट दिस. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पैकेजिंग, द फर्स्ट सेंट, जो कि इस तरह की पैकेजिंग है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग, टोल्ड यू गाइज. एंड द प्रोडक्ट इज दिस. इट कम्स इन अ ग्लास बॉटल एंड इट इज अ रियली वेरी नाइस पैकेजिंग एंड इट्स नेम इज स्मोकी पचौली. Its fragrance is really very strong, so let me just spray it around my neck area. I'll spray around 3 times. So yeah, let's just test it out. 3. So yeah, it's really very strong fragrance. So if you like strong scents, then go for smoky patchouli. And it smells like smoky and काफी ज़्यादा you know strong है. So you are अगर strong scent lover, then go for smoky patchouli. So the first one, smoky patchouli, is a really very strong perfume. So next I'm going out with this warm out. This is the next one and its packaging look like this and its color is little bit changed क्योंकि बाकी ज़्यादा थोड़े light color है and it is more darker than them. Let's just test it out. So I'm gonna spray it on other side. So yeah, it's also smelling strong. 1, 2. It's smelling like कि जैसे कुछ धार्मिक जगहों पे you know like in temples or like somewhere else जहाँ पे पूजा की जाती है वहाँ की जैसी fragrance आती है. It's smelling like that. अगर आपको ऐसी fragrance पसंद है then go for वॉर्म आउट. आपको ये थोड़ा रिलीजियस फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करेगा. बेसिकली माई ओपिनियन है कि मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस लाइक नहीं करती हूँ. मुझे मीडियोकर जो ये होता है, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज्यादा बिल्कुल लाइट, जस्ट बिकॉज स्ट्रॉन्ग जो सेंस होते हैं वो मुझे थोड़ा इरिटेट करते हैं. मे बी आप लोगों के भी काफी प्रॉब्लम होती होगी इस चीज में. लाइक मुझे हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है. मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकती, राइट. एंड जिन्हें माइग्रेन इश्यूज हैं वो भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं. सो आई एम नॉट अ स्ट्रॉन्ग सेंट यूजिंग पर्सन. आई लाइक लाइट वेट एंड माइल्ड थिंग्स विच लास्ट लॉन्गर एंड स्मेल्स गुड. हियर आई हैव दिस द थर्ड वन विच इज क्रंची ग्रीन एंड या लेट्स जस्ट टेस्ट दिस आउट. आई स्प्रे इट ऑन माई रिस्ट एंड ओपन इट अप. सो इट्स फ्रेग्रेंस इज लाइक यू नो I don't know what to say, what to call this, and yeah, I've sprayed twice. I really don't know what to say about this because I'm not getting that exact word कि इसको क्या बोलूँ, क्योंकि because its name is crunchy green, so मुझे ऐसी vibes आ रही हैं smell out करके, like it's like a chili
चिली स्मेल काइंड ऑफ है बीच में, सो मेरे अकॉर्डिंगली इट्स ओके, यू कैन कैरी इट इन अ डेली पर्पस, एंड अगर आपको थोड़ा इस तरह का फ्रेग्रेंस चाहिए. सो लास्ट एंड द फोर्थ वन इज दिस वन जो है गॉर्मेंट वेनिला. So yeah, this is the government vanilla. I'm gonna test it out on my second wrist and this smells really well. मैं पहले ही बता रही हूँ because मैंने इसे use किया है, so let's just test it out. So yeah, 1, 2, 3. So मैंने इसे 3 बार spray किया है and it smells really very good. It's not really very strong and बहुत ज़्यादा ये light भी नहीं है कि पता ही ना चले कि आपने कुछ लगाया हुआ है. ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा है जो मुझे रिक्वायरमेंट है कि ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए ना बिल्कुल लाइट वेट चाहिए. एंड इट स्मेल्स लाइक वेनिला और ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आपको प्रोवाइड करता है. एंड गॉर्मेट वेनिला इज माई फेवरेट सेंट इन सब में से. सो या गाइस, ये 4 के 4 सेंट्स मैंने आपके साथ शेयर आउट कर दिए कौन सी किसकी कैसी फ्रेग्रेंस है. एंड माय पर्सनल फेवरेट इज गॉर्मेट वेनिला जो कि मैंने यहाँ स्प्रे किया है. आप इसको जैसे अगर आप डेली जाते हो, कॉलेज गोइंग हो, डॉक्टर हो, लाइट फ्रेग्रेंस चाहिए है ना, ज्यादा स्ट्रांग नहीं चाहिए और अच्छा फ्रेग्रेंस आपको चाहिए आपकी बॉडी में से, देन गो फॉर दिस वेनिला फ्लेवर. दिस वर्क्स रियली वेल एंड ट्रेवल फ्रेंडली है. पैकेजिंग जो है इसकी इजिली आप इसको अपने हैंड बैग में कैरी कर सकते हो. और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारे के सारे सेंस का रिव्यू करने में, मजा आया टू टेस्ट इट आउट है ना. सो या मुझे तो बहुत मजा आया वीडियो बनाते हुए. आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना. एंड अगर आप इसमें से किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, कूपन कोड होगा वो भी प्रोवाइड कर दूंगी, डू चेक इट आउट एंड आप वहां से इसको परचेज कर सकते हो. कमेंट करके बताइएगा कि ऑलरेडी आप अगर परफ्यूम्स ये यूज कर रहे हैं तो आप कौन सा वाला परफ्यूम यूज करते हो और आपका कौन सा फ्लेवर फेवरेट है. सो या मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट अमेजिंग सी ब्रांड न्यू वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड रिमेंबर आई लव यू ऑल.